देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, जिसके चलते कुछ मौका परस्त लोग बेरोजगार युवाओं से फायदा उठाने से भी नहीं चूक रहे। ताजा मामला झारखंड के धनबाद से ठगी करने का सामने आया, जहां धनसार पुलिस ने ठगी करने वाले नटवरलाल को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आरोपी दीपक कुमार झा नाम का शख्स BCCL में नौकरी दिलाने के नाम पर कई बेरोजगार युवकों से 8-8 लाख रुपए की मोटी रकम ऐंठ चुका है। इसके बाद बरमसिया के विकास कुमार वर्मा ने नवंबर 2019 को धनबाद कोर्ट में ठगी करने वाले दीपक कुमार झा सहित 3 लोगों पर मामला दर्ज करवाया था। वहीं धनसार पुलिस ने शिकायतकर्ता विकास कुमार वर्मा की शिकायत पर दीपक कुमार को गिरफ्तार कर लिया। सीएल में नौकरी के नाम से ये ठगी कर लिया है, प्रत्येक व्यक्ति से 8-8 लाख रुपया ये झांसा देकर कि मैं आपको सब लोगों को नौकरी दिलवाता हूँ, हमारा बहुत बड़ा पहुँच है, BCCL पदाधिकारी के पास पहुँच है, मैं आपको किसी को भी आपको नौकरी दिलवा दूँगा। इसी झांसा पर हमारा जो भोले वाला इस लड़का जो है करीब करीब 88 लाख रुपया इसको जो है दे दिया, ये ठगी कर दिया इन लोगों। अब अपना जो है जुडिशियल जो है स्टाम्प में नोटरी में अपने सिग्नेचर भी किया कि मैं इतना इतना रिसीविंग दे रहा हूँ और फिर बाद में पैसा मैं दे दूँगा आपको, ऐसा आपको स्वीकृति बयान में भी अपना जो है अपना स्वीकार किया है अपना दोस्त कि मैं सभी लोग को जो है मैं ठगी किया हूँ और पैसा लिया हूँ। करीब करीब जो अनुसंधान का विषय है और भी अनुसंधान कर रहे हैं, इसमें शामिल है, इसका तो एक दोस्त है जो अजीत कुमार अभी जेल में है और एक और इसका दोस्त आजाद कुमार जो कि अब जमुई का रहने वाला है, यहाँ था, ये पहले बेकार बांध में रहता था लेकिन यहाँ से भाग गया ही, इसका अस्थाई पता आपको जमुई है, उसको भी हम लोग जो है दबिश कर रहे हैं, उसको भी विधिवत हम गिरफ्तार कर रहे हैं। इनका जो है दीपक कुमार झा नाम है, आपको धनसार चौक के पास हुई, ये रहने वाला है आपको विकास नगर धनबाद थाना क्षेत्र में पड़ता है, ये जो है इधर आ गए थे, घूमते घामते पता चला गुप्त रूप से बहुत पता, आगे जो अनुसंधान में हमको विधिवत अनुसंधान होगा, जांच होगी, इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। कितना लोग थे इसमें? आपको 3 आदमी हैं, प्राथमिकी अभियुक्त है, ये प्राथमिकी अभियुक्त थे, वादी कौन है? ये वादी विकास कुमार वर्मा, ये जो है बरवसिया के रहने वाले हमारे। इधर विकास कुमार ने बताया कि 11 युवकों से 8-8 लाख रुपए नौकरी दिलाने के नाम पर लिए हैं, लेकिन नौकरी नहीं दिलाई, जिस कारण हम लोग काफी दबाव में थे और आत्महत्या तक की नौबत आ चुकी थी। तब जाकर नवंबर 2019 को धनबाद कोर्ट में मामला दर्ज करवाया। इसके बाद मामला धनसार थाना आया और पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार कर लिया। मामला ये है कि भैया कि हम लोग से 11 बेरोजगार युवक थे, 8-8 लाख रुपए करके 88 लाख रुपए टोटल हम लोग से पैसा लिए, 11 को हम लोग कंप्लेन किए थे 2019 में, तब जाके आज ये गिरफ्तार हुआ और बड़े बाबू पकड़े हैं उनको, और ये एक नंबर का फर्जरी हम लोग आज तक मतलब सुसाइड करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, तब जाके आज पकड़ाया है। पब्लिक BCCL में नौकरी लगाने का नाम पे 8-8 लाख रुपये पर हेड लिया है 11 जन। आज हमको पता चला, जैसे हम इधर से जा रहे थे हमको पता चला कि थाना में पकड़ाया है, तो हम आ गए, कहीं थाना से बाहर नहीं चले, इसलिए हम आ गए थाना में कि थाना में है कि नहीं, हम भी अपने आप से संतुष्ट हो गए। तब कोई हम लोग आके देखें तो था हाजत में, आज को पकड़ के कंप्लेन किया था 19/11/2019 को FIR दर्ज हुआ जी, कोर्ट में किए थे, कोर्ट से थाना आया। जानकारी के अनुसार नटवरलाल के साथ में 3 लोग आए थे, जिसमें एक को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है जो जेल में है, और दूसरा दीपक कुमार जो सोमवार को धनसार पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि अभी भी एक साथी फरार है जो जमुई का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस टीम दबिश दे रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।